हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं मंदीप आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ केक की रेसिपी। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो मंदीप होम किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले। चलिए मेरी किचन में रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे ले लिया एक कप व्हिपिंग क्रीम और मैं इसको अच्छे से कर लूँगी बीट। बीटर की हेल्प से पहले मैं चलाऊँगी एक पे और बीट कर लूँगी 5 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने इसकी स्पीड कर दी है 5 पे और 10 मिनट के लिए दोबारा से बीट कर लिया है। बिल्कुल इसकी स्टिफ पीक्स होने तक हमने क्रीम को बीट कर लेना है। 7 की स्पीड पे करके मैंने करा है 10 मिनट और बीट। ये देखिए, जब तक आपकी स्टिफ पीक्स ना आए तब तक बीट कीजिए। और क्रीम ये देखिए, बिल्कुल स्टिफ पीक्स आ गई है मेरी। ये बहुत अच्छी क्रीम रेडी हो गई है। तो चलिए अब केक बनाते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया आधी कटोरी पानी, 4 चम्मच मैंने इसमें चीनी डाल दी है पीसी हुई और अच्छे से घोल के साइड में रख लिया है। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं ब्रेड के स्लाइसेस और कॉर्नर्स रिमूव कर दिए हैं। 6 स्लाइसेस लिए हैं मैंने यहाँ पे। ये देखिए, इस तरह से कुछ रखेंगे ब्रेड को। 3 स्लाइसेस रख लिए। पहले प्लेट को उल्टा करके, जिसके पास अगर केक का बोर्ड है तो उस पर भी कर सकते हैं। और 3 ब्रेड मैं अलग रख दूँगी प्लेट में और इसको हम शेप देंगे। शेप कौन सी देंगे? हार्ट शेप देने वाली हूँ मैं। कैसे देंगे हार्ट शेप? नाइफ की हेल्प से दे सकते हैं, नहीं तो एक इजी तरीका है। तो शेप देते हैं नाइफ की हेल्प से, ऐसे सर्कल की तरह, सेमी सर्कल की तरह करके हार्ट शेप दे देंगे। नीचे से तो शेप बनी हुई है, नहीं तो ग्लास लेंगे। और देखिए, ग्लास का जो एज शार्प हो वो वाला ग्लास लीजिए और ये ऐसे करके शेप दे देंगे। एक साइड से शेप दी, ऐसे ही दूसरी साइड से भी मैं शेप दे दूँगी। ये देखिए कितनी इजीली शेप दे दी मैंने दूसरी साइड से भी। तो ये देखिए, दूसरे स्लाइसेस को भी हमने वैसे ही शेप दे दी और इनको रख दूंगी प्लेट में। तो यहाँ पे मैंने प्लेट चेंज कर ली, जिस प्लेट में आपने रखना है उसमें ही शेप ऐसे बना के रख लीजिए। और चीनी और पानी का जो घोल बनाया है उसको पूरी ब्रेड स्लाइसेस पे अच्छे से डाल लेंगे। ये देखिए, बहुत अच्छे से डालेंगे, इससे बहुत सॉफ्ट और मीठा हो जाता है हमारा केक। मैंने यहाँ पे ले लिया पाइनएप्पल एसेंस और व्हिपिंग क्रीम में मैं 10-12 ड्रॉप्स डाल लूँगी। आप स्किप कर सकते हैं, इलायची पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं। ये देखिए, अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूँगी, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा केक का। पे मैंने एक ले लिया है दूध का पैकेट और उसमें व्हिपिंग क्रीम डालूँगी ताकि आप भी इजीली बना पाएँ केक। अगर आपके पास पाइपिंग बैग है तो वो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे कर सकते हैं। कैंची से कट लगाएंगे और व्हिपिंग क्रीम पूरे बेस पे लगा देंगे हम अच्छे से। ये देखिए, फैलाते हुए लगा लेंगे और ये ले लेंगे स्पैचुला और उससे फैला लेंगे क्रीम को। मेरी व्हिपिंग क्रीम ये मीठी वाली है इसलिए मैंने चीनी नहीं डाली। आपकी मीठी ना हो तो चीनी व्हिपिंग क्रीम में ऐड ज़रूर कीजिए। अब इसके ऊपर दूसरे वाले स्लाइसेस लगा लेंगे सेम हार्ट शेप में और इसके ऊपर भी शुगर सिरप जो हमने बनाया था वो अच्छे से डालेंगे, कम ना हो। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, आप एक बार केक ज़रूर ट्राई कीजिए। अब इसके ऊपर से हम वही जो हमने क्रीम रेडी की है पूरी क्रीम से इसको कवर कर लेंगे। बहुत अच्छा केक बन के रेडी होगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हमने केक ब्रेड से बनाया है। वाह, पूरा अच्छे से हमने कर लिया कोट। स्पैचुला की हेल्प से ही देखिए मैं कितना इजीली कोट कर रही हूँ। क्रीम कोट करके हम अब इसको रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रिज में ताकि अच्छे से क्रीम सेट हो जाए। और ये देखिए, क्रीम अच्छे से हमारी सेट हो गई है। अब हमने ले लिया है चक्कू और चक्कू से हम एजेस से बिल्कुल क्लीन कर लेंगे। ये देखिए, बहुत ही इजीली हो जाता है क्योंकि क्रीम हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है और चक्कू की हेल्प से ही हम इसको पूरा प्लेन कर लेंगे। आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं इसके ऊपर, कोई भी अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। मैंने आपको एक बार बना के दिखा दिया, ये देखिए मैं कितनी आसानी से कर रही हूँ। आप भी ऐसे चक्कू की हेल्प से या स्पैचुला की हेल्प से प्लेन कर सकते हैं। चक्कू से मैंने उसको प्लेन कर लिया, अब चम्मच ले लूँगी और चम्मच से ऐसे ये देखिए पुल करते हुए डिज़ाइन बना लूँगी एक रफ सा। बहुत ज़्यादा मैंने इसमें क्लीन नहीं किया, उसको नीट नहीं किया। और स्पून से ये देखिए, ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगता है। कैमरा पता नहीं कैप्चर कर पा रहा है या नहीं, ये देखिए कैमरे में भी शो तो हो रहा है। ये देखिए, ऐसा डिज़ाइन आप बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। व्हिपिंग क्रीम ले लूँगी, आगे से फोल्ड करके पॉइंट को
कट कर दिया ट्रायंगल में, ये देखिए हल्का सा डिज़ाइन देने लगेगा अब ये, और गोल गोल करके वहीं पे फ्लावर्स बना दूंगी। आप फ्लावर बनाएं या फिर अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं। तो देखिए पूरे हार्ट शेप पे मैंने फ्लावर बना लिए हैं, ये देखिए मैंने चॉकलेट सिरप ले लिया है और जो फ्लावर्स बनाए हैं उसके ऊपर ये चॉकलेट के ड्रॉप्स डाल रही हूँ। ये देखिए आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर किसी भी तरह से चॉकलेट से डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने चॉकलेट सिरप से ही अच्छे से यहाँ पे ये लाइंस बना दी हैं। कैसे भी किसी भी तरह से आप चॉकलेट सिरप डाल सकते हैं, मैंने ऐसे डाला है, बच्चे चॉकलेट खुश होकर खाते हैं। क्रीम में पाइनएप्पल का फ्लेवर भी है, केक खाने में बहुत ही यम्मी बना था, आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी बना था ये केक। ये देखिए रेसिपी मेरी आज की, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।